वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आज की खसूसी शो के साथ। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान बेस पर। वैसे तो हम सबको ही पता है कि पाक फ़ज़ाइया की जो शाहीन है दिन रात जो है सरहदों की हिफाजत तो करते ही हैं, लेकिन ये हिफाजत किस तरह से करते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। पीछे शोर बहुत है, लेकिन क्या करें, इस शोर के साथ ही हमें अब आज का शो भी करना है। तो मैं आपको बता रही थी कि आज हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। इसकी रीसेंट मिसाल तो आपको पता है, 27 फरवरी से किस तरह से हमारे पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आइए चलते हैं, अपने पाक फ़ज़ाइया के शाहियों से बात करेंगे। जी, जैसे कि हम नूर खान बेस में मौजूद भी हैं और काफ़ी हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी देख रहे हैं, पायलट्स भी देख रहे हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट नौफल अली। हम उनसे बात करेंगे बल्कि सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं, हम इतने बड़े जो यहाँ पे जहाज़ देख रहे हैं, स्पेशली C-130, वो इतना बड़ा जहाज़ और आप माशाल्लाह से इतने यंग पायलट और इतनी छोटी सी उम्र में, ये कैसे, किस तरह से आपने एयरफोर्स ज्वाइन की? बेसिकली एयरफोर्स हमें इसी चीज़ के लिए कैपेबल बनाती है कि इतनी यंग एज में हमें इस लिहाज से ट्रेन करते हैं ये कि हम इतने बड़े एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करने के कैपेबल हो जाते हैं। जर्नी जो मेरी एयरफोर्स में है वो स्टार्ट हुई थी, वो इनिशियली पीएफ कॉलेज सरगोधा से स्टार्ट हुई थी। उसको ज्वाइन करने के बाद मेरी शुरू से ड्रीम थी कि मैं एयरफोर्स में पायलट बनूं, एंड उसके बाद एयरफोर्स ने टोटली इस ड्रीम को अचीव करने में मेरी हेल्प की। और इनिशियल इनकी जो ट्रेनिंग हमारी होती है ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स पे, उसके बाद आप ग्राउंड ट्रेनिंग में भी, ग्राउंड ट्रेनिंग आप 6 मंथ्स की करते हैं इधर आके C-130s पे, और उसके बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो टोटल ये 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है जो C-130s पे करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप एज अ कोपायलट डिक्लेयर हो जाते हैं। जी, मेरे पीछे अब जो इतना बड़ा जहाज़ देख रहे हैं, इस जहाज़ के लिए इसकी मेंटेनेंस भी बड़ी ज़रूरी होती है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टेक्नीशियन फैसल साहब। हम वेलकम करेंगे। जी फैसल साहब, शुक्रिया। अच्छा फैसल साहब, अभी हम मेंटेनेंस की बात कर रहे थे और मैं पीछे ये इतना बड़ा ट्रक भी देख रही हूँ, तो मुझे हम थोड़ा सा ये बताएं ये किस लिए होता है और इसकी मेंटेनेंस कब किस तरह से की जाती है? एक्चुअली ये जो आपको पीछे वैन नजर आ रही है, इसे GPU पे कहते हैं, ग्राउंड पावर यूनिट। ये जिस टाइम पे जहाज ग्राउंड के ऊपर खड़ा है तो हमने उसका ऑपरेशन चेक करना है डिफरेंट सिस्टम्स का, तो उसके लिए हम ये पावर यूज करते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स की पूरी दुनिया में आपको पता है एक मुकाम है, और हमारा एक पूरा स्केड्यूल बना होता है मेंटेनेंस के हवाले से। उस पर जिस वक्त भी जहाज हमारा मिशन के लिए जाता है उससे पहले हमारी इंस्पेक्शन होती हैं, जहाज फ्लाई करके वापस आता है उस दौरान हमारी इंस्पेक्शन है। इनकेस ऑफ एक दिन में 2 सार्टीज अगर करनी है उसके दरमियान में भी जो टाइम हमें मिलता है उसमें भी हम इंस्पेक्शन करते हैं। मकसद ये है कि आम ताकि जिस वक्त भी जहाज हमारा मिशन के लिए निकले तो उसके ऊपर जो फॉल्ट है वो कम से कम आए, ताकि और इसकी लाइफ मजीद एक्सटेंड होता है। अच्छा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ये बताएं कुछ आवर्स होते हैं आप लोगों के, किस तरह से 24/7 वाला काम होता है, आप लोगों को भी इतना टाइम देना पड़ता है इस काम के लिए? देखें अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये है कि हम एयरफोर्स में भी हम फौजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 24 घंटे के लिए हम अवेलेबल हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए। जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो हमारी शिफ्टें बनी होती हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट शिफ्ट में हम बंदे रोटेट होते रहते हैं। उसमें यह है कि बंदे जो भी शिफ्ट आती है वो फ्रेश होती है, अपनी 100% जो है उन एफिशिएंसी के साथ वो आउटपुट देती है, और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में हम करामत साबित होते हैं। Thank you.
अभी हम नूर खान बेस के रनवे पे मौजूद हैं और यहाँ हम ऐसे मनाजे दिखाएंगे जैसे आप आम जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और हमारी कोशिश है कि हम C-130 के हवाले से ऑपरेशन से लेके किस तरह से फ्लाई करता है, लैंड करता है, वो सब आपको दिखा सकें। और आपने ये भी देखा होगा कि जो C-130 है, फ्लाई करने से मेरे ख्याल से कुछ टाइम पूरा वार्म अप होता है, रेडी होता है, तो फिर वो फ्लाई करने के लिए उठते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि C-130 किस तरह से टेक ऑफ होगा, फ्लाई होगा, और मेरे ख्याल से आपको पीछे से दिखाई देने भी इसका जो शोर है, इसी शोर में मुझे बातचीत भी करनी पड़ती है। तो इससे पहले वो शोर मेरे कानों तक आए तो मैं चाहूंगी कि C-130 अगर पीछे से आ रहा है तो मेरे जो कैमरामैन है वो दिखाए। जी नाज़रीन, ये देखे, ये C-130 ने उड़ान उड़ाई और ये यहां से C-130 जो है वो फ्लाई कर रहा है और हम यहाँ नीचे खड़े देख रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि C-130 ने किस तरह से फ्लाई किया, लेकिन लैंडिंग करना भी एक बहुत बड़ा मिशन होता है और इससे पहले वो बहुत मिशन करके अपना पहुंच भी रहा है, बल्कि आई एम श्योर पहुंचने ही वाला होगा, क्योंकि ये अभी जब हमारी बात हो रही थी हमें पता चला था कि लैंडिंग करना कोई इतना आसान बात नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसकी बाकायदा जिस तरह से ट्रेनिंग की जाती है, उनको जिस तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन ही ये काम और कमाल कर सकते। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी हम देख सकते हैं कि C-130 ने लैंड करना शुरू कर दिया है और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। ये हमारे लिए भी बड़ी बात है कि हम खुद ये लाइव देख रहे हैं। वैसे तो देखने में कितना आसान लगता है, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी, सीरियसली। और ये शोर हमारे कानों से गुजरता हुआ जा रहा है, ये इसकी खूबसूरती है शोर की, अगर मैं कहूँ। और हमारे जो पायलट हैं उन्होंने अपना मिशन पूरा किया, लैंड किया सेफली, उन्होंने लैंड किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। जी हमने C-130 की लैंडिंग भी देखी, हमने उसको फ्लाई करते हुए भी देखा, हमने टेक्नीशियन से भी बात की, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद है, विंग कमांडर SS साहब, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, हमने यहाँ पे C-130 को देखा, अगर सही मायनों में कहें, आम जबान में कहें, तो आप इनके डॉक्टर ही हैं, मैं अगर सही कह रही हूँ? जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली C-130 का जो मेन रोल एंड टास्क है एयरफोर्स के अंदर वो एयर मोबिलिटी से रिलेटेड है, कि C-130 को बैकबोन कहा जाता है एयरफोर्स की, कि फर्स्ट टू एंटर एंड लास्ट टू लीव इन दी एनी ऑपरेशनल एरिया। तो उस लिहाज से जो C-130 की जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। इसी पर्पज़ के लिए हर मशीनरी के ऑपरेशन के लिए उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो जो जिस जगह पे मैं भी पोस्टेड हूँ, ये भी एक एयरफोर्स का बहुत ही एक रिप्यूटेड एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे इस स्पेसिफिकली C-130 एंड ऑल दी अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो इंश्योर की जाती है कि क्रू को किस तरह ट्रेन किया जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि C-130 पे काफ़ी जो क्रू होता है उसकी डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं। कुछ पायलट की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ फ्लाइट इंजीनियर्स की, और कुछ लोड मास्टर्स की, और उन सब की ट्रेनिंग का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन स्कूल जो है वो उसको ये दी गई है कि हम लोग सारे जो है एयर क्रू इस एयरफोर्स के उस स्टैंडर्ड पे लेकर आते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि वो हर किस्म के एयरफोर्स के ऑपरेशनल मिशंस और एनी स्पेशल रिक्वायर्ड मिशंस हम लोग वो परफॉर्म करते हैं। यंगस्टर्स एयरफोर्स में आना चाहते हैं, आप भी, क्योंकि नो डाउट आपने अपना मिशन भी किया है, काम भी कर रहे हैं, इस मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं, हमारे जो देखने वाले जो यंगस्टर्स एयरफोर्स में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए ये मैसेज, बल्कि पूरी कौम के लिए ये देना चाहूँगा कि जो फोर्सेस हैं और जितनी भी हमारी जो मिलिट्री की जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुछ सेपरेट नहीं है। वी आर ऑल पाकिस्तानीज, ये हम सब पाकिस्तानी ही हैं मेनली। उसके बाद हर कोई अपनी जॉब कर रहा है, कुछ किस सेटअप में है, कुछ किसी सेटअप में है। तो अपने मुल्क के लिए जो है वो इस जज्बे से किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना कि जिसमें आपको लगे कि मैं एक्टिवली उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ,
तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी जो है वो फीलिंग आपको नहीं मिल सकती लाइफ में। और मुझे भी इसीलिए ये प्रोफेशन सबसे अच्छा यही लगता है कि इसमें हम एक्टिवली अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइंस पे हैं। लेकिन इस एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं, हम फ्रंट लाइंस पे इसलिए होते हैं क्योंकि पूरा मुल्क हमारी बैक पे होता है हमें सपोर्ट करने के लिए। तो हमें उन सबकी सपोर्ट भी चाहिए, हमें उन सबका साथ भी चाहिए और हमें उन सबकी इंडक्शन भी चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे साथ मिल के ये काम। जी, जैसे कि हम मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन स्कूल में और यहाँ पे जो है क्लासेस भी हैं और कुछ कोर्सेज भी हो रहे थे, तो हमें क्लास में मौजूद है, हम यहाँ पे एक बात करेंगे स्क्वाडन लीडर से। जी राफे, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा कोर्स हो रहा है और अभी आप लोगों की क्लास ही हो रही थी, तो जरा इस हवाले से आप बताएं हमें। हम बेसिकली यहाँ पे C-130 कैप्टन कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी चल रही कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, डिफरेंट लेक्चर्स हैं जिसके अंदर हमारे जो टेक्निकल हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, उसके अलावा मेट्रोलॉजी है, एयरमैनशिप, तो हम ये इन डिफरेंट क्लासेस होती हैं हमारी। अच्छा, एक जो चीज़ हमने एयरफोर्स में देखी, माशाल्लाह से खुद भी ऑफिसर हैं, ये पढ़ने वाला जो अमल है ये हमेशा जारी और सारी रहता है, तो कैसा लगता है आपको? ये तो अब हमारे हैबिट पैटर्न बन चुका है कि आपके लर्निंग जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और थ्रू आउट दी लाइफ आप मतलब सीखते हैं, फिर आप दूसरे जहाज़ों में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसकी स्टडीज होती हैं, ये टिल रिटायरमेंट जो है ना आपकी स्टडी कंटिन्यू रहती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे कि दीगर जो और भी स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो ऑफिसर हैं लेकिन स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी मजीद बात कर सकें। जी हमारे साथ सर, आप थोड़ा सा अपना तारुफ बता देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं स्कूल अब्दुलरहमान हूँ, मैं यहाँ पे C-130 कैप्टन कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे मैं ये पहला तो सवाल ये कि कैसा लगता है कोर्सेज के साथ सिर्फ एयरफोर्स में आप लोगों ने ज्वाइन की, तो क्या सोचा, किस तरह से एयरफोर्स में आपने ज्वाइनिंग की, फिर ये जो पढ़ने वाला जो सफर है ये जारी और सारी रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक पैशन है फ्लाइंग का और इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई तो उसके साथ जो पढ़ाई एसोसिएटेड है वो थ्रू आउट चलती रहेगी। एयरफोर्स पायलट बेसिकली जितने भी सिस्टम उड़ाता है दे शुड हैव अ गुड नॉलेज, तो उसको परस्यू करने के लिए जो है डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं। तो अगर आपने फ्लाई करना है कोई मशीन तो आपको अकॉर्डिंगली स्टडीज़ करते रहना चाहिए और ये विद टाइम आपके एयरक्राफ्ट भी चेंज होते रहते हैं, तो ये अमल जो है ना ये टेल रिटायरमेंट जिसने सर ने बताया इस तरह चलता रहता है ये। अच्छा, मैंने ये भी था कि आमतौर पर लोग जाहिर सी बात एक जज्बे से सरशार होकर एयरफोर्स में आते, तो आपने क्या सोचा था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है? फ्लाइंग एक पैशन है, एयर में फ्लाई करना नॉर्मली सबके ही एक पैशन होता है, उस पैशन को कंटिन्यू करते हुए एयरफोर्स में आए और अभी उसी को परस्यू भी कर रहे हैं और यही पैशन यहाँ तक लेके आया हुआ है। जी ये थे हमारे ऑफिसर्स, हमने इनसे बात की, आपने देखा कि इनमें जो जज्बा है पाकिस्तान के लिए वो हमेशा इसी तरह से ही है, क्योंकि हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है दुनिया की जो टॉप एयरफोर्स है और इसकी वजह हमारे ऑफिसर्स हैं, और ये आपने क्लास देखी और मजीद जो है हम आगे बात करेंगे। देखिए हमारी खवातीन जहाँ पर भी होती हैं वो हमें ही रिप्रजेंट कर रही होती है, तो ये सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने एयरफोर्स क्या सोच के ज्वाइन किया? मैम एक्चुअली वंस मैं छोटी थी तो आई हैव अ मिलिट्री बैकग्राउंड एज वेल, तो मुझे शौक था बेसिकली यूनिफॉर्म का, शुरू से शौक था, एंड सेकेंडली आई वॉन्टेड कि फ्लाइंग जो है मुझे पायलट बनने का काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ना मुझे वो फैसिनेट करता था, तो एयरफोर्स इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी कि हम फ्लाइंग जो है उसको ज्वाइन कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मती से एयरफोर्स ने मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे सिलेक्ट किया है और फिर मुझे फ्लाइंग का चांस भी दिया। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती, जिन पायलट से पहले भी बात रही थी, तो आपको कभी मुश्किल लगा इसकी ट्रेनिंग्स की, भाई नहीं मुश्किल है ये, इस तरह से खवातीन नहीं कर सकती, तो आपका तो अपने बड़ा एक्सपीरियंस है तो कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? मैम इसमें बेसिकली जो है आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, अगर आपका मोराल हाई है जो आपसे हमेशा बचपन में जब आप कैडेट्स होते हैं तो हमेशा आपसे एक स्लोगन रेस करवाया जाता है कि हाउ इज़ द मोराल, तो बेसिकली आपकी मोटिवेशन और आपका मोराल ही होता है जो आपको कंटिन्यूसली स्ट्रगल में आपको आगे चलाता है, तो इफ़ यू आर मोटिवेटेड आप वो कर लेते हैं। डेफिनेटली ट्रेनिंग और सारे जो क्राइटेरियाज होते हैं वो लेडीज़ और मेल्स के सेम होते हैं, उसमें कोई भी डिफ्रेंसीशन नहीं होती, बिकॉज हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें बचपन से जब हम जहाज़ में बैठते हैं वो हमें यही बताते हैं कि एयरक्राफ्ट को नहीं पता कि आप लड़की हैं या लड़का हैं, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो एयरक्राफ्ट विल टेक यू डाउन द सेम वे इट वुड टेक डाउन अ बॉय, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी हैंडलिंग आपकी वैसी ही होनी चाहिए, सो यू आर बेसिकली ट्रेन द सेम वे द वे अदर मेल काउंटर पार्ट्स आर बीइंग ट्रेन्ड। अच्छा खदीजा, आपने मोटिवेशन की बात की तो आपकी क्या मोटिवेशन थी? मेरी मोटिवेशन मैम बेसिकली फ्लाइंग ही थी कि मैं फ्लाइंग करना चाहती थी, एंड आई वांटेड टू वेयर दिस ड्रेस दैट आई एम पुटिंग ऑन राइट नाउ, दिस बेसिकली गिव्स मी
सेंस ऑफ प्राइड कि मुझे ये इसमें पहनकर इसको बहुत फख्र महसूस होता है दैट आई एम फ्रॉम फ्लाइंग ब्रांच. अच्छा, फख्र के साथ साथ मैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि काफ़ी जिम्मेदारियां भी आयद हो जाती हैं, तो जब आप यूनिफॉर्म वेयर करती हैं तो क्या ऐसे अहद है, क्या ऐसी बात है जो खुद से बात करती हैं कि नहीं मुझे जो है करके दिखाना है, कुछ करना है? मैम, इसमें आपके ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमें एयरफोर्स ने ये चांस दिया है कि हम इसमें आएँ फ्लाइंग में और अपने आप को प्रूव करें, और उस पर डेफिनेटली हमारी कौम का ही जो है वो सारे असासे हैं जिनको हम फ्लाई करें, तो हमें अप टू द मार्क इसमें लाजमी होना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है और बहुत सारे एसेट्स हैं जो हम पर लग रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमने उसको सही तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाना है. हमारे देखने वालों के लिए, हमारी स्पेशली जो खवातीन हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी, और जो बच्चियां जो हैं एयरफोर्स में आना चाहती हैं और सोच रही हैं कि मुझे इसमें जाके कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो उनके लिए क्या बात? मैम, जो लोग अभी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं खास तौर पे जो हमारी यूथ है, उसमें मेरी ज़्यादा उनको यही है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं और अगर आपकी विल पावर है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, एक हमने कोट सुना है कि वे देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, अगर आप मोटिवेटेड हैं और अगर आपकी विल पावर है देन देर इज़ नो वे बैक, और आपको कोई भी हर्डल और कोई भी ऑब्स्टिकल आपको मुश्किल नहीं लगेगी. टफ टाइम्स ऑब्वियसली आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, बट उसके साथ साथ जब आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपको पता है कि ये टारगेट आपने अचीव करना है, तो इंशाल्लाह आप उसको ज़रूर अचीव कर लेंगे. जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ विंग कमांडर सोहेब मेहदी साहब मौजूद हैं, हम सर को वेलकम करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया है. आप सबसे पहले तो बताएं ये TCS क्या है और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है एयरफोर्स में? TCS इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन स्कूल. यहाँ पे जितने भी एयर मोबिलिटी स्ट्रीम है, जो उनके जितने भी एसेट्स हैं, उनके पायलट्स, उनके फ्लाइट इंजीनियर्स, लोड मास्टर्स, नेविगेटर्स, उनकी सारी ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट में होती है. अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए तो जितने भी एयर मोबिलिटी स्ट्रीम के एयरक्राफ्ट हैं, उन सारों की कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन जो है वो इस स्कूल के थ्रू और फिर आगे डिफरेंट स्क्वाड्रन्स में वो फीड किए जाते हैं सारे क्रू स्टेशंस. तो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि दैट इज़ लुकिंग आफ्टर द बेसिक कन्वर्जन ऑफ ऑल द एयर क्रू ऑफ एयर मोबिलिटी स्ट्रीम. आम तौर पे ये एक सोच है, मेरी भी यही सोच थी कि C-130 जो है सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी तारीख है और काफ़ी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सर अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से ब्रीफ कर दें. C-130 जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इट्स बीन हेयर फॉर मैनी डेकेड्स, और अगर देखा जाए तो इसका सिर्फ रोल एंड टास्क ये नहीं है कि सिर्फ सामान की तरसील एक जगह से दूसरी जगह की जाए, बल्कि इसके और भी बहुत सारे रोल हैं जो कि हम इसको रोल्स में यूज़ करते हैं. लाइक एरियल डिलीवरी है जिसमें मटेरियल भी है, जिसमें हम पैराट्रूपर्स को भी ड्रॉप करते हैं, उसके बाद ISR ऑपरेशंस हैं. तो इसके रोल एंड टास्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर पाकिस्तान एंड डिज़ास्टर्स हैं, डिज़ास्टर उसके अर्थक्वेक है, फ्लड रिलीफ है, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं. उसके अलावा एरियल डिलीवरी है, उसके बाद पैराट्रूपिंग है, लो लेवल है, तो इसमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम सिर्फ, इसका ये काम नहीं है कि हम सिर्फ सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएँ. सर लकली आप आज हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा आप ये तो बताएं कि ऐसे कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं जो और भी हैं यहाँ पे और जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि आम तो अपने आम जिक्र में गुफ्तगू में भी हम C-130 करते ही रहते हैं, तो ज़रा और आप एयरक्राफ्ट्स के मुतालिक आप हमें बताएं. बेसिकली ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम जो है उसको आप हैवी, लाइट और मीडियम में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. C-130 के अलावा IL-78 हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं जो कि मल्टी रोल उसमें परफॉर्म कर रहे हैं अपना रोल एंड टास्क. लाइक वो लोडिंग के लिए भी हैं, उसके इक्विपमेंट की डिलीवरी के लिए भी हैं, अदरवाइज एयर टू रिफ्यूलिंग के लिए भी हैं. उसके बाद फिर हमारे पास मीडियम कैटेगरी के एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं, CN-235 हैं, उसके बाद Y-12s हैं. तो डिपेंड्स के क्या रोल एंड टास्क है, कितना आपका जो बेसिकली जो लोड है उसके डिपेंडिंग अपॉन आप उसके एयरक्राफ्ट की डिटेलिंग और वो चीज़ की जाती है, ताकि उसके एसेट्स की जो बेसिकली जो प्रिजर्वेशन है वो भी एक हमारे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है. सर आप लोग शाहीन हैं, बल्कि आप तो दिन रात कोई टाइम भी नहीं देखते पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ये ऑपरेशन 24/7 होते हैं, किस तरह से होते हैं? 24/7 ही अवेलेबिलिटी आपको देनी पड़ती है, क्योंकि वी हैव बीन इंटरेस्टेड विद द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, तो
देर इज़ नो टाइम लिमिट के आप उसको कहें कि रात को हम नहीं कर सकते या दिन को हम नहीं कर सकते, तो वी हैव टू बी अवेलेबल फॉर 24/7। सर हमने सुना है कि, बल्कि हमने सुना नहीं देखा भी है कि यहाँ एयरफोर्स की चाय जो है बड़ी मशहूर है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस चाय के मुतालिक आप? 27 फरवरी के बाद से तो चाय जो है काफ़ी मशहूर हो गई है, हमारे एक्सपेंसिव भी है। एग्जैक्टली दुनिया को एक यही पैगाम है कि जो भी हमारी सोवरेनिटी और उस चीज़ को हमें चैलेंज करेगा तो इंशाल्लाह हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे अपने मुल्क के डिफेंस और अपने मुल्क के ऑनर के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें पहले भी इस चीज़ में हमें कामयाब किया और हमने बड़े खुश उसलूबी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको टास्क को कम्प्लीट किया अपने। तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इसी तरह कामयाब करे ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से अपने मुल्क के दिफा को और मजबूत करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम द होम ऑफ हरकुलस में मौजूद थे, हमने पायलट ऑफिसर से बात की, उनके ऑपरेशंस देखे, उनके मिशंस देखे, किस तरह से वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, और यही वो जज्बा था जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो सरप्राइज़ दिया बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। और हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो दुनिया की टॉप एयरफोर्स तो है ही है, लेकिन जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान की हिफाजत करी कोई दुश्मन उसको मैली आंख से नहीं देख सकता। इसी बात के साथ मुझे मोना खान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।